महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बैठक को संबोधित करते हुए हाल ही में विधानसभा चुनाव में तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने राहुल गांधी की 7 गारंटी को अस्वीकार कर दिया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि केवल एक ही गारंटी काफी है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी शिंदे गुट वाली शिवसेना और अजीत पवार गुट वाली एनसीपी की महायुक्ति एक साथ आगामी चुनाव लड़ेगी और सीटों पर जल्द ही ऐलान होगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद पार्टी में उत्साह का माहौल है। फडणवीस ने यह भी बताया कि प्रत्येक चुनाव को गंभीरता से ही लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि हम जीतेंगे ही। फडणवीस ने आगे कहा कि आज आम आदमी जानता है कि पीएम मोदी ही देश का विकास कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने ये सारी बातें कही। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा कि विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने 7 गारंटी की बात कही थी, लेकिन लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि केवल एक ही गारंटी काफी है और वो पीएम मोदी की है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी INDIA गठबंधन का कोई एजेंडा ही नहीं है, वो केवल मोदी को उखाड़ फेंकने के मकसद से एकजुट हुए हैं। मौका बैठक का था और देवेंद्र फडणवीस लगातार राहुल गांधी, कांग्रेस और INDIA गठबंधन पर हमलावर नजर आ रहे थे। एक के बाद एक उनके बड़े वार विपक्ष पर, कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर दिखाई पड़े। फडणवीस ने बताया कि महायुक्ति आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। इस बीच उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कुछ ऐसा कहा कि वो चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसा नाम है जो बीजेपी के लिए वरदान है। फडणवीस ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को सीट बंटवारे को लेकर सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवा पार्टी को उतनी सीटें मिलेंगी जितनी उन्होंने उम्मीद की है। उन्होंने राहुल गांधी के लिए जो बात कही वो लगातार चर्चा का विषय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए राहुल वरदान है। कांग्रेस के डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी अपनी संगठन में परिवर्तन लाने की सोची ही नहीं और ना ही अपने कार्यकर्ताओं को इज्जत दी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी भाजपा के लिए वरदान है। इसी कड़ी में NCP प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे को घेरते हुए भी देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि NCP प्रमुख शरद पवार और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कभी भी मराठा आरक्षण की परवाह ही नहीं की। मौका अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर जमकर INDIA गठबंधन और कांग्रेस को घेरा। इसके साथ ही राहुल गांधी को भाजपा के लिए वरदान बता दिया, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।